हमारे इस कोंडरी क्षेत्र की जनता को मेरा सभी को क्रांतिकारी जय भी। साथियों, इस मानसिक मिशन के तत्वाधान में आज 26 नवंबर 2018 को ये पावन पर्व पर हमारा ये संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। साथियों, आपको देखने में लग रहा होगा कि ये सब सूट बूट में नजर आ रहे हैं सभी साथी, ये ऐसा क्यों है? इसका भी कोई मकसद है। बाबा साहब ने हमारे लिए ये सब अधिकार संविधान में दिए थे। साथियों, मैं आज संविधान दिवस पर आपके समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत करना चाहता हूं, उनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये संविधान हमारे बहुजन समाज की आत्मा है और ये संविधान नहीं रहेगा तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब भी नहीं होंगे। हमारी स्थिति जो पूर्व में हजारों वर्ष पहले थी वैसे ही हम हो जाएंगे। साथियों, मैं पूर्व में ले जाना चाहूंगा। हमारे इस संविधान के साथ इस भारत सरकार ने, चाहे पूर्व की सरकार रही हो चाहे वह वर्तमान की सरकार हो, उसने हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है, वो आपसे छिपा नहीं है। मैं आपको बहुत पीछे ले जाऊंगा। 2004 में जो सरकार चल रही थी उसने हमारे संविधान को नष्ट करने के लिए एक वैकेंसीलैया आयोग का गठन किया। साथियों, वो उसमें फेल हो गए, संविधान की समीक्षा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्रपति हमारे महामहिम के नारायण जी थे, उन्होंने उस संविधान समीक्षा का विधेयक वापस भेज दिया। साथियों, वो वहां भी नहीं रुके, उससे आगे बढ़े, उन्होंने नया षड्यंत्र रचना शुरू किया। आपको मालूम होगा 2007 से 2012 के बीच में भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हमारी मानवतावादी सरकार चल रही थी, उसी के दौरान उन्होंने क्या किया, एक मदारी को ला करके एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया, एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया जिसके माध्यम से हमारे संविधान के पैरेलल एक जन लोकपाल हमारे सामने खड़ा करने का प्रयास किया। साथियों, साथियों, मेरे पास समय के लिए बार बार आ रहा है, मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा। एक मदारी कौन था आप सभी जानते हैं, हमारी इस बोली वाली जनता बहुजन समाज की उस मदारी के बहकावे में आ गई और उसने ऐसा ड्रामा रचा हमारे भारत में कि हमारी सरकार जो चल रही थी मानवतावादी उसको उखाड़ने के लिए उसने पूरे भारत में एक आंदोलन छेड़ दिया जिसका नाम अन्ना हजारे था, जिसका नाम अन्ना हजारे था। साथियों, हम नहीं समझ पाए वो आदमी इस बहुजन समाज को, इस दलित समाज को, इस पिछड़े समाज को, इस अल्पसंख्यक समाज को नष्ट करने के लिए उसके पीछे आरएसएस, यहाँ का मीडिया बहुत षड्यंत्र रच रहा था। मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमयी बात बताऊंगा। आपको मालूम होगा पूरे भारत में एक विदेशी एजेंसी ने सर्वे कराया कि अन्ना हजारे की टीम में कितने लोग थे, तो साथियों आपको आश्चर्य होगा पूरे देश में मात्र 1900 आदमी थे उसके साथ, लेकिन हमारे भारत के फ्रॉड मीडिया ने 19000 भारत के मीडिया उसके साथ लग गया, एक एक आदमी को 10-10 मीडिया ने इतना बढ़ चढ़ करके प्रचारित किया कि ये तो देश का बहुत बड़ा मसीहा है। साथियों, वो वहां भी नहीं रुके, एक घटना घटित हुई 16 दिसंबर 2012 को,
वो घटना दर्दनाक थी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन साथियों न जाने कितनी घटनाएं हमारे भारत में ऐसी घटित होती हैं, उनकी कोई खबर लेने वाला नहीं है साथियों। उसी के दौरान साथियों आगे फिर ये नहीं रुके, इन्होंने हमारे संविधान के साथ फिर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। साथियों जो संविधान की समीक्षा में शामिल व्यक्ति थे वही लोगों को एक विकल्प के रूप में तैयार कर दिया हमारे बीच में साथियों, और हम समझ नहीं पाए उनकी चालों को, हम उनके सस्ते और जुमलेबाज वादों के झांसे में आगे साथियों और आगे बढ़े। दिल्ली में आपने देखा हमारी यहाँ भी मानवतावादी सरकार गठित होने जा रही थी, हमारे उस समय के विधायक माननीय श्री सुरेंद्र कुमार चौधरी जी थे और एक बदरपुर से विधायक थे साथियों, उनको लग रहा था कि ये भारत में यदि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में काबिज हो गई तो न जाने क्या हो जाएगा। ये आगे बढ़े साथियों, आगे बढ़ करके अगर मैंने बंद कर दी तो मुझे कहेंगे मैं इसलिए बंद नहीं कर रहा। आगे बढ़े साथियों, फिर क्या हुआ, अभी आपने देखा अब जो सरकार चल रही है वो हमारे संविधान के साथ क्या क्या सारा आरक्षण खत्म कर दिया, धीरे धीरे हमारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन था वो सारा खत्म कर दिया साथियों। इतना ही नहीं 20 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक अध्यादेश लाया गया जिसमें हमारे जो अधिकार थे उनको नष्ट कर दिया गया साथियों। उसके आगे 2 अप्रैल को भारत में बहुजनों ने ऐसी अंगड़ाई ली कि पूरा देश खुल गया साथियों। ये आपके एजुकेशन का ही कारण था जो भारत की सरकार हिल गई साथियों। आप कहेंगे कि ये मानसिक मिशन गठन करने की क्या जरूरत पड़ी साथियों, हमको लग रहा था अरे हमारे महापुरुष हमारे लिए ऐसा प्लेटफॉर्म देकर के गए थे, क्या हम नौकरी में इसलिए आए थे कि हम रंगीन टीवी और रंगीन बीवी के चक्कर में हम अपने घरों में बंद रह करके हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ नहीं करेंगे साथियों। हमारे मन में विचार आया कि हमें कुछ करना चाहिए, हमारे बुद्धिजीवी साथियों ने कहा कि हमको कुछ एक नया काम करना चाहिए साथियों। वो नया काम क्या था, हमने मानसिक मिशन का गठन किया साथियों। हमारी तैयारी पीछे से चल रही थी, ये आपने देखा कि हमारे साथ कितनी मामलाचीन बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही थी। हमारे कोंडली की जनता सस्ती बिजली सस्ता पानी ये सारे पता नहीं इसके बहकावे में बहुत जल्दी आ जाती है साथियों। आप नहीं समझ पा रहे ये मानसिक मिशन है क्या, मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। मानसिक मिशन ये हम हमारे जो महापुरुष थे, जैसा कि हमारे भाई ने पहले ही आपको बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये मानसिक मिशन हमारे महापुरुष ना होते तो शायद आज हम यहाँ स्वतंत्रता की सांस नहीं ले रहे होते साथियों। हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं लिया क्षेत्र के किसी भी आदमी से, हमने सभी बुद्धिजीवियों ने मिलकर के इस कार्यक्रम को अंजाम दिया। हमने सोचा इस सोती हुई कौम को सोते हुए अपने भाइयों को जगाना चाहिए साथियों। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि यदि आप वास्तविक रूप से समझ जाएंगे इन सरकारों की चाल को कि ये हमारे साथ क्या करना चाहते हैं साथियों। हमारे आज ये 36 का आंकड़ा देखिए, हम 26 लोग हैं इस मिशन में। हमने देखिए बड़ी सूझबूझ से आज 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने संविधान पेश किया था, हमने भी सोचा कि हम 26 लोग ही अपनी इस संख्या में रखेंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे साथियों। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे थे, हमने उनसे मना कर दिया, उन्होंने हमने कहा आप आगे आपको मौका देंगे, लेकिन ये 26 का आंकड़ा हमारे लिए शुभ होना चाहिए। हमारे सबकी एक जैसी ड्रेस, हमारा एकता का संदेश, बाबा साहब का संदेश, ये हमको कोई हमारा अहंकार नहीं है आपके सामने, ये कोट टाई पहन करके हमारा कोई घमंड नहीं है, ये सिर्फ बाबा साहब का संदेश है। हम ये चाहते हैं प्रत्येक परिवार में हमारा आने वाला बच्चा हमारा जैसी कोट पैंट और टाई पहन करके निकले तो ये सरकारें हिलेगी साथियों। वक्त आ गया है बदलने का, हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, हम कहां सोए हुए हैं और हमारा दुश्मन जागा हुआ है।
साथियों, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात को समराज करता हूँ। और यहीं पर साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि घर घर में हमारी बहनें, माताएं, हमारे बुजुर्ग, मेरे सभी नौजवान साथी इस मिशन को पूरा करने के लिए, 19 की लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, यदि हम इस लड़ाई को जीत गए तो साथियों हमारे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ करता हूँ। जय भीम, जय भारत।